आम मैंने आडभटाइज करूँ जो मानकर किसी असुविधा अच्छी अठर वर्ष तौक चाइल्ड राइट्स आउर सेफ्टी दृष्टि से वंचित होती आसतु बोली से जेहतु कमिशनर आसी जो गुड़ाक अभोग मैडम ताकू चकआउट बर्तमान कले आचीटा अभोग मत भी दायित्व देता मसे मस भर सल्व कर दिखते मैडम आई आम डिपार्टमेंट आम 15 डेज भितर सल्व कर परवर्ती मुहूर्त में कहले आपण पीरियड नुह आम पूर्व जिन जेहेतु पूर्व को नहीं भूल मुझे कहूँ चेयरपर्सन ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग आज गुड़ सब प्रकार केस आसाला जमीक मैडम कहते ड्रप आउट पे आसते निजे आईटीआई पे निजे एडमिशन करने आसते स्पन्सरशिप भी थी पिलार हेल्थ इश्यूज भी थी ता सहित पे निजे सबुठ मत बहुत खुशी लगेगा कोरापुट भाई एरिया पिलाने निजे फॉर्म धरिकी आसी आईटीआई आमको एडमिशन दिं यहाँ ही अवेयरनेस आम ब्लॉक ऑफिस लेवल अच्छे से झील मैंने केते अवेयर अच्छा यही सब गोटे बहुत बड़ पॉजिटिव पॉइंट आपण फ्रंट रे ही आपे देखिले दुई तीनो केस इमीडिएटली पेंशन लागू करने मैडम अर्डर दौ दौ का डीएचएस आनिकी हिं दे भावुँ विदिन 15 डेज सब प्रोब्लेम सर्ट आउट सब भारत वर्ष रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक आशीर्वाद योजना आरंभ करते जिते कोविड समय रे कौन स्टेट आरंभ कर ना से आशीर्वाद योजना ओडिशा रे प्रथम ही आरंभ होता आ जेतेबेले अनाथ माने जो बापा पितृ मातृहर इवन एवं जो बाहानागा रेल दुर्घटना होगा से माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते जो पिलाने बापा माँ को हरई से आशीर्वाद स्कीम रे एड करने जलाल है और मेरे साथ एससीपीसीआर की राज्य बाल आयोग की चेयरपर्सन भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने हम पिछले 2-3 महीने से पूरे भारतवर्ष में जितने भी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं आकांक्षी जिले जो पहले 3 साल पहले हम लोगों ने विजिट किया था कोरापट में और अब 2023 में जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं सो जनवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डब्ल्यूसीटी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी ने वहां पर एक हमारी ये सोच रही कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुंच पाते हैं लेकिन ब्लॉक्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब आप ये देखिए कोरापट में पहुंचना और कोरापट के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पहुंचना और वहां पर आकर बच्चों की जो समस्याएं हैं उनकी जो भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जो बच्चों के लिए स्कीम्स हैं क्या हम उनको दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। हम अधिकारी यहाँ पर है, आयोग यहाँ पर है, पुलिस है, प्रशासन है, क्या बच्चों को वो स्कीम्स मिल पा रही हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों का ग्रीवियंस कैंप लगाया है और हमारे पास सुबह से काफी कंप्लेंट्स आ चुकी है। 50 आप लोगों के सामने हम लोग सुन चुके हैं, एक्सपेक्टेड है क्योंकि सिर्फ एक ब्लॉक की कंप्लेंट्स है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं यहाँ पर जो स्कूल्स हैं और जो पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स हैं उसके लिए हमने एक परफॉर्मा बनाकर काफी पहले ही हमने भेज दिया था उस पे उसको उनको भरकर देना था। यदि कोई कमियां हैं किसी भी आंगनवाड़ी में या स्कूल में कोई भी समस्या है या पीएचसी सीएससी में तो हमें भरकर दें, वो भी आना बाकी है। तो एक्सपेक्टेड है हमारे पास 250 से 300 हमारे पास टोटल कंप्लेंट्स आ जाए मतलब कि एट द एंड ऑफ पूरी एक्सरसाइज के बाद 1-2 दिन के अंदर। अभी आज हमने आपके सामने 65 समस्याओं हमारे पास अभी तक रजिस्टर हुई है।